क्योंकि आवश्यक नहीं कि आप पूरी की पूरी पुस्तक को पढ़ो और आपको क्लास सेवन्थ या एट्थ का एग्जाम नहीं देना है बल्कि आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है इस हिसाब से फिर हम आगे की चीजों को कैलकुलेट करते हुए चलेंगे तो इस विषय सूची में लगभग बहुत सारे विषय हमने कंप्लीट कर लिए हैं जो बचे हैं उसमें से यहाँ के कुछ विषय बचे हैं जैसे अध्याय नौ दस ग्यारह बारह और तेरह तो आज हम अध्याय नौ पर बात करेंगे बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है बावजूद उसके इसमें कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो पीसीएस की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सीधे सीधे उससे टॉपिक में चीजों को पूछा जाता है तो आगे बढ़ने से से पहले आपको एक जानकारी दे दूं की तरफ कई सारे गिफ्ट हेम्पर्स में से एक और गिफ्ट हेम्पर जिसे आप अनबॉक्स के नाम से जानते हो वो आपके सामने फिर से आ गया है 2023 का और इसके अंतर्गत कई सारी कीमतों में कमी की गई है जैसे कि आप 12 महीने तक का एक्सटेंशन ले सकते हो अपने यूपीएससी के कोर्स पर और इस पर 50 परसेंट तक की छूट प्राप्त कर सकते हो इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको क्रैश कोर्स की आवश्यकता है यानी क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि आप एक बार अपनी तैयारी एक हद तक कर चुके हो अब आप केवल इतना चाहते हो कि कोई व्यक्ति या कोई एजुकेटर मिल करके आपको फिर से उसको रिवाइज करा दे और जल्दी से आप अपनी रफ्तार को बढ़ा सको इस बात को ध्यान में रखते हुए रफ्तार बैच शुरू किया गया है जो खासतौर से हंग्लिश में है इंग्लिश का मतलब क्या है हिंदी और इंग्लिश में जिसकी कीमत सिर्फ सोलह हजार आठ सौ रुपए है आप इसको ज्वाइन कर लो और आपको जो तैयारी करने में समस्याएं आ रही हैं फिर आपकी समस्याएं उन एजुकेटर्स की हो जाएंगी जिनका टारगेट है कि आपको सही तरीके से गाइड करके कम समय में एग्जाम ओरिएंटेशन नॉलेज को प्रदान करना कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको फाउंडेशन में दिक्कत आ रही होगी फाउंडेशन का क्या मतलब होता है आप जानते हो कि किसी भी बच्चे के जो स्टडी का टाइम होता है स्टडी के दौरान कोई किसी बैकग्राउंड से आता है किसी का साइंस कमजोर है किसी का ह्यूमैनिटीज कमजोर है फाउंडेशन का मतलब होता है कि आपके इन गड्ढों को भरना आपको एक समतल सतह पर लाकर खड़ा कर देना जिसके ऊपर फिर आप अपनी बिल्डिंग्स का निर्माण करोगे अर्थात एडवांस चीजों को पढ़ोगे और समझोगे तो फाउंडेशन बैच 2025 के लिए शुरू हो गया है इसको भी आप जुड़ करके पूरा कर सकते हो और फाउंडेशन पूरा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर एक भी विषय आपका कमजोर रह जाता है तो यकीन मानिए जैसी परीक्षा पास करना बहुत टफ हो जाएगा ठीक है इसके अलावा जो यू हमने शुरू किया था प्रोग्राम अनकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप यानी कि आप मान लो आपने फाउंडेशन बैच कर लिया है आपने क्रैश कोर्स ले लिया है तो आप करोगे क्या इसका है ना क्रैश कोर्स ले लिया है आपने सब कुछ सीख लिया है अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो आप खुद से लड़ रहे हो खुद से को देख रहे हो तो आपको नहीं पता कि आपकी वाकई स्थिति कहां पर है आपको कितना और प्रयास करना है कितना प्रयास को बढ़ाना है कितने गलत हो रहे हैं क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं प्रैक्टिस कैसे करोगे आप जो ऑल इंडिया टेस्ट एक कंडक्ट कराया जा रहा है इसको आप एनरोल करो 17 दिसंबर को होगा फ्री में है सबके लिए है इसके अलावा इस टेस्ट में आपको कई तरह के और भी बेनिफिट मिलेंगे जैसे आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो आप किसी ब्यूरोक्रेट से बात करो अब ब्यूरोक्रेट तक पहुंच पाना अपने आप में कठिन होता है तो बेहतर होगा कि वो आप तक पहुंचे है ना उनको आप तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा आपसे मिलाने का कार्य कार कौन कर रहा है अन अकेडमी कर रहा है ठीक है तो अनअकेडमी के आप एजुकेटर से भी मिल सकते हो कई बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर आपसे मिलना चाहते हैं मिलने की समय नहीं मिल पा रहा स्थान नहीं मिल पा रहा तो मिलने के लिए भी आयोजन कर दिया जाएगा इसके अलावा कुछ बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्योंकि आज का तकनीकी मीडिया युग ऐसा है कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जैसे मान के चलिए अभी आप इस क्लास को ले रहे हो है ना इस क्लास को लेने के लिए तो आप मोबाइल फोन का यूज कर रहे हो या फिर लैपटॉप का यूज कर रहे हो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मोबाइल फोन ही है। अगर लैपटॉप मिल जाता तो कुछ और बुक्स वगैरह पढ़ लेते पीडीएफ पढ़ लेते तो आपके सामने आईपैड मोबाइल फोन और मैकबुक तीनों का ही ऑप्शन है कुछ लकी ड्रॉ के ऑप्शन भी है इसके अलावा टेस्ट सीरीज तो है ही तो एनरोल जरूर कीजिए कम से कम फ्री में है तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपना इवेल्युएशन और अपना मूल्यांकन कीजिए इसके अलावा फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम 2023 शुरू किया गया है वो बच्चे जिन्होंने मेंस क्वालिफाई कर लिया है वो आए और एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर के अपने आप को अपने व्यक्तित्व को समझें कि आखिरकार कहां पर कितना और उनको प्रयास करने की आवश्यकता है और कई सारे रैंक होल्डर चाहे वो ए आई रहे हो या थर्टीन रहे हों इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़ करके उन्होंने अपनी तैयारी को बहुत बेहतर किया और इंटरव्यू देखिए एक ऐसा फेज होता है कि हम खुद का स्व मूल्यांकन कई बार नहीं कर पाते तो जब आप एक्सपर्ट्स के सामने होंगे तब एक्सपर्ट आपको बता पाएंगे कि आखिरकार कहाँ पर कितनी कमी है किन बातों को आपको ध्यान में रखना है किस अप्रोच के साथ आपको उत्तर देने हैं अगला जिन बच्चों को ई में कोर्स लेना है एक बार में पेमेंट करने की समस्या आ रही है वो ई का ऑप्शन भी ले सकते हैं ठीक है, है? चलिए आगे बढ़ते हैं तो टॉपिक क्या है गति एवं समय कि अगर आप किसी वस्तु को गति के रूप में देखते हैं तो गति का मापन किस तरह से किया जाता है दूसरी बात यह है कि गति होती क्या है और आप अपने सामान्य जीवन में कैसे सामान्य जीवन में गति को किस प्रकार से अनुभव करते हैं है ना आप किसी वाहन को चला करके गति का अनुभव कर सकते हैं आप पैदल सड़क पर चल करके गति का अनुभव कर सकते हैं तो गति का अनुभव जो आपको होता है उसको कैसे आप मापते हो सामान्य जीवन में किन किन उपकरणों का उपयोग होता है दूसरा आप ये कैसे कहोगे कि कोई भी वस्तु जो गति कर रही है तो गति तेज गति कर रही है तीव्र गति कर रही है अथवा मंद गति कर रही है इस पर भी इस टॉपिक में बात की गई है तो कक्षा छः में आपने कई तरह की गतियों के बारे में पढ़ा हुआ था आपने ये भी पढ़ा था कि कोई वस्तु कभी सरल रेखा के अनुदेश गति कर सकती है अर्थात इस तरह से गति कर सकती है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ दूसरा आपने देखा था कि कोई वस्तु ऐसी हो सकती है जो एक सर्कल पर गति करे है ना इस तरह से गति करे तो आप इसे क्या कहोगे वृत्ताकार गति या वर्तुल गति क्या कहोगे वर्तुल गति या वृत्ताकार गति दूसरा आपने देखा था कि कोई एक वस्तु हो सकती है जो आवर्ती गति करे जैसे एक पेंडुलम की गति तो ऐसे ही कुछ उदाहरणों को लेकर के आज इन चीजों पर डिस्कशन हम करेंगे तो कुछ वाहनों को आपने देखा है कि जो दूसरे वाहनों की तुलना में आपको लगता है कि ज्यादा तेज चल रहे हैं दूसरा आपको लग सकता है कि थोड़ा धीरे चल रहे हैं और सरल रेखीय पथ पर अगर वो चल रहे हो अर्थात ऐसी गति चल रहे हो तब आप भी कैसे पता कर पाओगे कि कौन सा वाहन तीव्र है अथवा कौन सा वाहन आ, मंद है या फिर स्लो है देखिए यहां पर बहुत सारे शब्द हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आज के इस डिस्कशन में आप सीखोगे जैसे आप सीखोगे रेखा ग्राफ क्या है ग्राफ अच्छा जो ग्राफ वाला इसका सेक्शन है वो मैंने छोड़ दिया है क्योंकि रेखा ग्राफ बनाने की आवश्यकता आपको है नहीं इसमें आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए इस तरह से मैपिंग करने की आवश्यकता नहीं इसलिए मैंने छोड़ा है आप देखोगे असमान कि गति किसे कहते हैं दोलन सरल लोलक चाल आवर्तकाल एक समान गति और समय का मात्रक ठीक है चलो तो अब देखो आपको यहाँ पर दो तस्वीरें दिखाई गई हैं दो तस्वीरों में ये पुस्तक से ही मैंने ली है अलग से कुछ एड ऑन नहीं किया है अब इन दो तस्वीरों में आपको दिख रहा है बहुत सारी कारें हैं असल में जो दो तस्वीरें हैं ना अलग अलग नहीं देखनी आपको इनकी तुलना करनी है तो आपको दिख रहा है कि सड़क पर एक ही दिशा में वाहनों की गति हो रही है अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन वाहनों में कौन सा वाहन तेज चल रहा है तो मेरे ख्याल से एक तस्वीर को देख करके आप इस बात का अनुमान नहीं कर पाओगे कि कौन सा वाहन तेज है अर्थात अगर आपको तो गति को समझना हो तो वाहन का मूवमेंट समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि एक चित्र है चित्र रुका हुआ है चित्र रुका हुआ ही होता है तो एक तस्वीर के सापेक्ष जब आपको कोई दूसरी तस्वीर मिलेगी तब आप एक तुलना ये कर पाओगे कि अच्छा वाहन की इस समय पर गति ये थी दूसरे चित्र में गति ये है तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है कि सबसे तीव्र गति से जो वाहन आगे निकला इन कारों के सापेक्ष को कौन सा है ग्रीन कलर वाला ये वाला तो इसकी गति आपको दिख रहा है कि बाकी वाहन अपने ही स्थान पर है लेकिन इसकी गति में परिवर्तन आ गया अर्थात ये जो वाहन है ये बाकियों की तुलना में काफी तीव्र गति से चल रहा होगा तो कंक्लूजन ये निकला कि हम सामान्यतः ये कह सकते हैं कि उस वाहन की गति ज्यादा है जिसकी चाल अधिक होती है क्या कहोगे आप उस वाहन की गति अधिक है जिसकी चाल अधिक होती है क्या होती है चाल अधिक होती है तो अगर आप 100 मीटर की किसी दौड़ की तुलना करो तो 100 मीटर की दौड़ में अगर आप चाल निकालोगे कि किसकी चाल ज्यादा है तो जो धावक अर्थात जो दौड़ रहा है उसमें 100 मीटर की दूरी जो सबसे पहले तय कर लेगा आप मान लोगे कि उसकी चाल सबसे ज्यादा है है ना उसके बाद जो उसके बाद आएंगे उनकी चाल कम होगी तो आपके सामने एक शब्द आया कि चाल आखिरकार क्या होता है कौन सा शब्द आया कि चाल आखिरकार क्या होता है मेरे ख्याल से आप इस शब्द से परिचित होंगे है ना तो समझो दो या अधिक वस्तुओं में से कौन तीव्रतम गति कर रहा है इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि है कि हम इसके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात कर ले अर्थात आप ये मान सकते हो कि चलो पिछले एक मिनट में पिछले एक मिनट में किसी एक ऑब्जेक्ट ने मान लीजिए कार है एक ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय की है तो इस प्रकार अगर आप दो बसों को एक घंटे में तय की गई उनकी दूरी के हिसाब से मापते हैं तो आप ये बता पाओगे कि ज्यादा स्लो या ज्यादा फास्ट कौन सी बस चल रही थी मान लीजिए एक घंटे में एक बस 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है या चलो मान लो 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है दूसरी बस है उसने यहाँ पर सत्तर किलोमीटर की दूरी तय कर ली तो तीव्र कौन था और स्लो कौन था आपको समझ आ गया तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं तो जब आप ये कहते हो कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ तो वो पचास किलोमीटर की दूरी को तो एक घंटे में तय करेगी है ना तो ऐसा बहुत ही मुश्किल होगा ना कि कोई भी गाड़ी लगातार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रहे है ना कभी उसकी गति धीमी होगी कभी उसकी गति तेज होगी तो जब आप औसत कैलकुलेशन लास्ट में निकालोगे है ना आप इस बात को छोड़ दोगे कि कार लगातार उतनी गति से चली है नहीं अब अच्छा देखो कार के मीटर में आपको दिखता है किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चीजें लिखी होती है अभी आगे इसका डैशबोर्ड देखेंगे तो मान लो दस किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है ना वो कार चल रही है दस की स्पीड पर उसका कांटा बना हुआ है तो क्या वो लगातार दस किलोमीटर पर ही चलाता रहेगा है ना एक घंटे में दस किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी ऐसा भी होगा कि ज्यादा भी चलेगी कम भी चलेगी तो एक औसत चाल निकलेगी क्या होगा एक औसत चाल निकलेगी तो एक परिकलित चाल होगी जो कार की औसत चाल होगी तो इस बुक में आगे जहां पर भी समय की बात की गई पचास किलोमीटर प्रति घंटा या जो भी आएगा वो एक औसत चाल पर ही बात करेगा ठीक है तो तय की गई कुल दूरी को कुल समय से विभाजित अगर आप कर दोगे तो आपको चाल का पता चल जाएगा क्या करोगे तय की गई कुल दूरी को कुल चाल से विभाजित कर दो इसका क्या मतलब हुआ इसका अब आपको क्या मिलेगा फॉर्मूला मिलेगा चाल का या मापक मिलेगा देखो क्या होता है आपने लिखा चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे दूसरा क्या है लिया गया कुल समय अर्थात तो उसने जितनी दूरी तय करने में जितना समय लिया किसी वस्तु ने उसकी क्या है चाल कहलाएगी तो अपने दैनिक जीवन में बहुत ही कम होता है कि लंबी दूरियों तक या अधिक समय तक वस्तुओं को एक निश्चित चाल से गति करते हुए देखें अर्थात चाल में उतार चढ़ाव आता रहता है तो अगर किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल बदलती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है क्या कही जाती है असमान चाल जैसे भी आपने पीछे उदाहरणों में देखा कि कोई कार लगातार एक तरह से गति नहीं कर सकती उसको कभी धीमे होना पड़ेगा कभी तेज होना पड़ेगा तो इसको क्या कहेंगे असमान चाल क्या कहेंगे असमान चाल वो चल रही है इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदेश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान चाल कहलाती है अर्थात किसी सरल रेखा में कोई वस्तु लगातार गति करती रहे तो क्या है वो एक समान चाल है इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है इसका मतलब क्या हुआ कि औसत चाल भी वही निकलेगी जितना उसके मीटर में दर्शाया हुआ है क्योंकि लगातार एक घंटे तक नियत स्थिति से चलता रहा अर्थात आप किसी प्लेन की तुलना कर सकते हो कोई वायुयान है है ना वो लगातार एक ही गति से मान लीजिए उसकी जो भी गति उसने तय कर रखी उस गति से उड़ रहा है और वो लगातार उड़े जा रहा है एक घंटे तक उड़ता रहा तो आप क्या कहोगे कि उसने एक घंटे तक की जो गति की है वो एक समान गति को किया है तो अगर हम किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में लगे हुए समय को माप लें तो उस वस्तु की चाल को आप ज्ञात कर सकते हो अब अगला आपके सामने आएगा समय की माप है ना तो अगर आपके पास घड़ी ना हो तो आप ये कैसे पता कर पाओगे कि आखिरकार टाइम क्या हुआ है आपने कभी इस बारे में सोचा होगा कि भाई पहले के समय में लोग या बुजुर्ग लोग किस तरह से समय का मापन करते थे दिन का समय कैसे माह का समय कैसे वर्ष का समय कैसे तो एक माह के काल अंतराल को कैसे मापते थे एक साल के काल अंतराल को कैसे मापते थे और समय की माप की जब बात आती है तो काल अंतराल की माप की ही बात होती है कि आखिरकार कितना काल अंतराल गुजरा है तो बोलचाल में जब हम कहते हैं कि समय मापना है तो घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा होती है तब भी हम समय के मापन की ही बात कर रहे होते हैं तो असल में आपने देखा होगा कि प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं और कुछ समय बाद वो खुद को दोहराती हैं क्या प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं और कुछ समय के बाद वो खुद को दोहराती हैं? यानी आप कहोगे प्राकृतिक घटनाएं या प्राकृतिक घटनाओं का दोहराओ जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आपने देखा है कि प्रतिदिन सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है क्या होता है उदय होता है और अस्त होता है तो इसके बीच के समय को क्या कह दिया गया एक दिन ठीक इसी तरह आप देखते हो कि एक अमावस्या से लगा करके अर्थात नया जब चंद्रमा निकलना होगा उससे लगा करके अगली अमावस्या तक के बीच के समय की माप को आप क्या कहते हो माह क्या कहते हो एक महीना इसी तरह एक वर्ष का समय अगर आप निकालोगे तो जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करती है उसको क्या कहते हैं एक वर्ष का समय लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमको अपने दैनिक जीवन में रोजमर्रा के स्तर पर बहुत सारे छोटे छोटे समय को मापना होता है तब आप देखते हो कि हमें इनको मापने के लिए घड़ी की आवश्यकता पड़ती है है ना तो क्या सबसे उपयुक्त व्यवस्था घड़ी हो सकती है तो आपने देखा है कि घड़ी का फंक्शन काफी जटिल होता है लेकिन सभी घड़ियों में लगभग आवर्ती गति का इस्तेमाल किया जाता है कौन सी गति का आवर्ती गति का ये आवृत्ति हो गया है तो किस गति का इस्तेमाल होता है आवर्ती गति का जैसे कि ये घड़ी है एक ये मेज में रखने वाली घड़ी है ये डिजिटल घड़ी है ये कुछ सामान्य घड़ियों के उदाहरण है तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आवर्ती गति तो आवर्ती गति के बारे में आपको याद आ रहा होगा पिछले कुछ कक्षाओं कुछ में आपने पढ़ा था इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है सरल लोलक लोलक क्या होता है इस तरह से आप किसी एक लकड़ी में या किसी एक रॉड में एक धागा बांध करके नीचे एक ठोस लोहे का कोई गोला बांध दो अब एक लोलक की भांति कार्य करेगा अर्थात आप इसको यहां पर रख करके पॉइंट ए तक खींचोगे कहां तक पॉइंट ए तक तो पॉइंट ए पर जाएगा फिर वापस जब आएगा तो इसने एक गति प्राप्त कर ली होगी और वापस जाएगा पॉइंट बी तक और पॉइंट बी तक जाने के बाद वापस आ जाएगा इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं एक दोलन क्या कहते हैं एक दोलन तो दोलन गति का उदाहरण है तो सरल लोलक आपको समझ आ गया किसी धातु के गोले या पत्थर के टुकड़े को एक मजबूत स्टैंड में बांध करके बनाया जाता है लोलक अपनी माध्य स्थिति में विराम की अवस्था को दर्शाता है याद रखिएगा जब ये सेंटर पर है जैसे चलिए मैं आपको यहां फिर से बना करके बताता हूं कि अगर लोलक इस तरह से सेंटर पर है तो ये विराम अवस्था में है है ना फिर इसमें जो धातु का गोला लगा है, इसको क्या कहते हैं लोलक का गोलक ये हिंदी के शब्द हैं, जो आपको दोबारा सुनने को मिल सकते हैं तो जब गोलक मध्य में होगा तो ये कैसा है विराम अवस्था में है लेकिन जब आप इसको धीरे से एक स्थान तक ले जाकर के छोड़ दोगे पॉइंट ए तक फिर ये गति करना आरंभ कर देगा फिर इसको क्या कहेंगे कि यह गति आवर्ती गति है और दोलन गति का एक उदाहरण है ठीक है अब देखिए समय और चाल के मात्रक क्या क्या होते हैं क्योंकि मात्रकों पर भी सवाल उठता है क्योंकि आप पुस्तक पढ़ रहे हो कक्षा सात की तो इसमें बहुत ज्यादा विस्तार में चीजें नहीं है लेकिन जितनी है वो आवश्यक है जैसे समय का मूल मात्रक क्या है सेकेंड है क्या है सेकेंड इसको कैसे दर्शाते स्मॉल एस से दर्शाते हैं समय के बड़े मात्रक को आप मिनट में दर्शाते हैं या घंटे में दर्शा सकते हैं तो मिनट के लिए तो जैसे कि आप लिखते हो इतने मिनट में इतनी दूरी तय की गई है इतने घंटे में इतनी दूरी तय की गई है ना जो आप चाल की बात करोगे तो चाल का मात्रक क्या है दूरी बटे समय तो चाल का मूल मात्रक क्या हो जाएगा मीटर अर्थात दूरी समय अर्थात सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड इसके अलावा इसको अन्य मात्रकों में भी मापा जाता है मीटर प्रति मिनट या ऐसे भी आप माप सकते हो किलोमीटर प्रति घंटे लेकिन आपको यह याद रखना है कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में ही लिखा जाता है अर्थात आप ये नहीं लिखोगे पचास किलोमीटर्स km के एम एस नहीं लिखोगे आप जब किलोमीटर लिखोगे के एम ही लिखोगे जैसे आपको आठ सेंटीमीटर लिखना है तो आठ सेंटीमीटर्स नहीं लिखोगे आठ सेंटीमीटर ही लिखोगे मीटर या जो भी मापक है उन सभी को एक वचन में ही लिखा जाता है अब देखो लोलक का जो आवर्तकाल है उसके बारे में एक रोचक कहानी है और लोलक का आवर्तकाल नियत होता है आपने एक वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली की कहानी सुनी होगी पंद्रह से सोलह ईस्वी के आसपास का इनका समय काल था तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार ये गिरजाघर में बैठे थे अर्थात चर्च में बैठे थे उन्होंने देखा कि छत से जंजीर से लटका हुआ कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है तो उन्हें देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिरकार लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज अर्थात जो स्पंद या उनकी धड़कन है उसकी संख्या हर बार लगभग समान हो रही है तो गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए लोलक के साथ कई सारे प्रयोग किए तो उन्होंने क्या देखा इस प्रयोग में उन्होंने देखा कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में उतना ही समय लेता है तो इससे फिर लोलक युक्त घड़ियों के विकास में मदद मिली और फिर आप देखोगे कमानी युक्त घड़ियां या कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का ही परिष्कृत रूप मानी गई है या इसको ही काफी ज्यादा विकसित किया गया है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं अगर आप ये जानना चाहो कि आखिरकार एक सेकंड का समय अंतराल कितना होता है तो आप 2001 बोलो क्या बोलो 2001। तो 2001 बोलने में आपको जितना समय लगेगा मान लीजिए लगभग एक सेकंड उतना होगा जैसे आप बोल सकते हो 2001, 2002, 2003, 2004। हजार, एक, दो हजार, दो, दो हजार, हजार, हजार लेकिन इस पर आपकी गति भी निर्भर करेगी एक सामान्य अवस्था की बात इसी पुस्तक में बताई गई है ठीक है इसके अलावा आप ये भी जानते हो कि प्राचीन काल में जो समय मापक था उसकी अलग अलग विधियां थी जैसे जंतर मंतर में आप जाओगे नई दिल्ली में एक धूप घड़ी लगी हुई है इसको बनाया गया था समय मापने के लिए तो सूर्य के प्रकाश के हिसाब से फिर यह तय करती थी कि किस हिसाब से कितना समय हुआ है सूर्य के प्रकाश के हिसाब से दिन के अंतराल में जो परछाई है वो बदलती रहती है ठीक है दूसरा आप देखते हो रेत घड़ी अर्थात ये माना जाता था एक रेत को किसी उसमें सैंड वॉच आप इसे मान लो तो रेत के गिरने का जो समय है जो समय है वो एक निश्चित समय होगा जब पूरी रेत गिर जाएगी तो उसको क्या करेंगे उठा के पलट देंगे फिर रेत गिरने लग जाएगी तो इस हिसाब से कैलकुलेशन चलता रहेगा कि भाई एक घंटे में मान लीजिए पूरी रेत खाली होती तो एक घंटा बीत गया उसको पलट दो अब अगला घंटा शुरू हो गया तो इस तरह से पता लगेगा इसी तरह जल घड़ी का भी उपयोग यहां पर किया जाता था चलिए आगे आप देखोगे कि, कि चाल को कैसे मापा जाता है तो अगर आपको किसी वस्तु की चाल पता लग जाए तो आप उस वस्तु के द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को पता कर सकते हो तो आप चाल को केवल समय से गुड़ा करना होगा इस तरह चली गई दूरी बराबर चाल गुड़े समय आप ये भी ज्ञात कर सकते हो कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी अर्थात समय बराबर दूरी बटे चाल क्या हो गया समय बराबर दूरी बटे चाल चलो एक एग्जाम्पल देख लो अभी जो घड़ियां आपके पास उपलब्ध है, है ना तो उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल क्या होता है एक सेकेंड कई घड़िया ऐसी हो सकती है जो आपको एक सेकंड से कम का भी समय अंतराल दिखाए लेकिन सामान्यता जो घड़िया होती है वो एक सेकंड के हिसाब से या सेकंड के अंतराल पर चलती है ठीक तो मैंने आपको बताया क्या कि कई घड़ियां ऐसी हो सकती है जो सेकंड से कम का समय भी आपको बता दे इनमें से कुछ तो ऐसी होंगी जो सेकंड के दस लाखवें भाग और यहां तक की एक अरबवें भाग तक के अंतराल को माप सकती है तो आपने माइक्रो सेकंड या नैनो सेकंड जैसे शब्दों को सुना होगा तो एक जो माइक्रो सेकंड होता है वो सेकंड का दस लाखवा भाग होता है है ना और एक नैनो नेकेंड एक अरबुआ भाग होता है अर्थात आप टू पावर होता है तो इतने छोटे समय अंतरालों को जो घड़ियां माप सकती हैं उनका उपयोग कहां किया जाएगा वैज्ञानिक रिसर्च के लिए किया जाएगा क्योंकि एक सामान्य जीवन में आपको इतने छोटे मापक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तो हमारा भी एक टाइम स्केल है जिसके हिसाब से हम अपने कार्यों को अनुभव कर पाते हैं है ना तो खेलों में जिन समय को मापने की युक्तियों का उपयोग होता है वे सेकंड के दसवें अर्थात सौवे भाग तक या दसवें या सौवें भाग तक के समय अंतराल को मापती है इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समयों को अगर आप देखोगे तो शताब्दियों या, स, या सहस्त्राब्दियों में व्यक्त किया जाता है तारों और ग्रहों की आयु को अक्सर अरब वर्षों में व्यक्त किया जाता है तो आप ये सोचो कि ऐसा करना क्यों पड़ता है ऐसा क्यों करते हैं है ना मान लो आप अपने घर से निकले और अपनी क्लास तक पहुंचे अब जो समय यहां पर लगा आप उसे किसमें मापना पसंद करोगे मिनट या घंटे में ना कि आप उसे कहोगे कि कितने वर्ष का समय लगा अगर आप वर्ष में निकालोगे तो भले ही मापक कितना भी पॉइंट में आए लेकिन फिर आप इसे वर्ष में कैलकुलेट करना आपके लिए उपयोगी नहीं होगा है ना इसी तरह जिन चीजों को माह में मापा जाता है उनको फिर आप प्रकाश वर्ष में नहीं मापोगे इसी तरह आप अंतरिक्ष में चलने वाली दूरी को आप अंतरिक्ष में मान लीजिए किसी दूरी को तय करते हो तो उसको तय किया जाता है प्रकाश वर्ष में अर्थात किसी प्रकाश की किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी आप सोच करके चलो कि प्रकाश की गति कितनी होती लगभग लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय कर लेगा उसको आप कहोगे एक प्रकाश वर्ष या फिर एक लाइट ईयर ठीक है लेकिन चूंकि मनुष्यों के सामान्य जीवन में इतनी गति नहीं होती है तो आप जिस वाहन को चलाते हो उसकी सामान्य गति क्या है इस तरह से आपके डिजिटल मीटर पर लिखा होता है क्या होता है डिजिटल मीटर पर लिखा होता है या आपके जो एनालॉग मीटर है उस पर लिखा होता है तो अब आप आपके सामने देखो किसी कार का डैशबोर्ड इसमें क्या है ये वाली गति है यह आपको क्या बता रही किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप चल रहे हो बीस चालीस साठ अस्सी या नब्बे सौ इस तरह लगभग एक सौ या वाहन के हिसाब से तय होता रहता है आप इसको क्या कहोगे कि ये क्या है स्पीडोमीटर जो आपको स्पीड बता रही है और ये जो यहां लिखा हुआ है कि आप अब तक कितनी दूरी तय कर चुके हो ये क्या है ओडोमीटर ठीक है तो इस तरह से यहां पर इसको चाल मापी कहते हैं क्या कहते हैं चाल मापी और जो ओडोमीटर है वो है पथमापी की कि आपने कितनी दूरी अब तक तय की है तो इस टॉपिक में या मैं कहूं इस पुस्तक में लगभग इतनी ही बेसिक बातों पर चर्चा है बहुत ज्यादा चीजें है नहीं तो इसको मैं समराइज कर देता हूं जल्दी से कि आपने अभी तक किन चीजों को सीख लिया है फिर अगली पुस्तक में कुछ विस्तार से अध्ययन जरूर करेंगे तो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी क्या कहते हैं चाल कहते हैं वस्तुओं की यह चाल निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है अगला देखोगे किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने के लिए लिए गए समय से विभाजित करके मिल जाती है इसका मूल मात्र क्या है मीटर प्रति सेकंड अब देखो ये जो बातें लिखी हुई है ये आपसे डायरेक्टली यूपीएससी नहीं पूछेगा लेकिन पीसीएस की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर वन डे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता रहा है वस्तुओं की गति को उनकी दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है इसके अलावा नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा का होता है कुछ अभ्यास प्रश्न है सॉल्व करके देखिए निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदेश वर्तुल तथा दोलन गति में कीजिए तो आपको यह समझ आएगा कि आप गतियों का कैसे मापन कर पा रहे हो दौड़ते समय आपके हाथों की गति क्या होती है सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते समय घोड़े की गति मैरी गो राउंड झूले में बच्चों की गति सी सौ झूले पर बच्चों की गति विद्युत घंटी के हथौड़े की गति इस तरह से बताना है उसके बाद आपको बताना है कौन से कथन यहाँ सही नहीं है यानी समय का मूल मात्रक सेकंड है क्या सेकंड है या नहीं पीछे आपने देखा तो ये तो सही है ना प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है ये बताना है दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती है ना किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति घंटे में व्यक्त की जाती है क्या ऐसा है या फिर ऐसा नहीं है आपको इस बारे में बताना है ठीक है तो आज की इस पुस्तक में बहुत कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है भी तो ध्यान रखिएगा ध्यान से पढ़िएगा और ज्यादा नहीं है इसलिए आपका कम समय लेते हुए पुस्तक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जहां पर कोई डाउट हो तो आप मुझसे स्पेशल क्लास में आकर के पूछ सकते हो ठीक